Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Article 31C. This topic is important from our syllabus GS Paper to Indian Polity Point of View. तो आर्टिकल थर्टी वन सी को समझने से पहले हमें जरा देखना होगा व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी तो संपत्ति का अधिकार प्रॉपर्टी के अधिकार को लेकर के संविधान में क्या बात की गई है ओरिजिनली इट वाज पार्ट ऑफ नाइनटीन वन एफ इट वाज अ फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन एफ तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी प्रोटेक्टेड एज अ फंडामेंटल राइट और इसको फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए एक और आर्टिकल था आर्टिकल थर्टी वन विच सेड कि द स्टेट साल पे कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार लेती है किसी भी पर्पस के लिए जैसे रोड बनाने के लिए जमीनें ले ली तो उसके लिए फिर सरकार एडिक्वेट कंपनसेशन भी देगी फिर फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया नाइनटीन में और राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट थ्री से हटा दिया गया इट वॉज नो लॉन्गर केप्ड एज अ फंडामेंटल राइट इसको मूव कर दिया गया हंड्रेड ए सो एज रिजल्टेंटल राइट नहीं रह गया अब राइट टू प्रोपर्टी इट इज जस्ट अट्यूशनल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए रीजन बिहाइंड दिस अमेंडमेंट तो बहुत सारे लिटिगेशन हो रहे थे अब देखिये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं थ्रू सेवरल काइंड ऑफ राइट्स तो अभी फंडामेंटल राइट right, जब तक था राइट टू प्रॉपर्टी तब तक कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे थे एक्सेसिव लिटिगेशन का प्रॉब्लम हो रहा था तो इसी चीज से निपटने के लिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर राइट टू प्रॉपर्टी को आप फंडामेंटल राइट ना रख करके आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया इट इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाउ बट नॉट अ फंडामेंटल राइट अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं अब आर्टिकल थर्टी वन तो हमने देख लिया वो कहता है कि स्टेट अगर कोई भी प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगा तो एडिक्वेट कंपनसेशन देगा तो रब ध्यान से देखिए पार्ट फोर डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल थर्टी नाइन बी विच सेज ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड यानी कि समाज की जो भी संपत्ति है जो भी ओवरऑल मटेरियल रिसोर्सेज है इस तरीके से बांटी जाए ताकि सबका भला हो अब हाल फिलहाल में जो केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट जिस केस को इवेल्युएट कर रही है उसमें इस शब्द मटेरियल रिसोर्सेज को लेकर के क्वेश्चन रेज किया गया है कि ये जो मटेरियल रिसोर्स यहाँ पे है क्या इसका मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है डज इट इंक्लूड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल देखिए जो संपत्ति है जो ओवरऑल रिसोर्स है कुछ कॉमन एरियाज हैं जैसे फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल

क्या इसको भी इक्विटेबल तरीके से समाज में बांटा जाना चाहिए फॉर कॉमन गुड दैट इज द क्वेश्चन इन द सुप्रीम कोर्ट वेदर material रिसोर्स इंक्लूड्स प्राइवेट प्रॉपर्टी और नॉट सुप्रीम कोर्ट के इस नॉट जजेस के बेंच ने अभी फैसला तो नहीं सुनाया है लेकिन लेकिन उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में अभी उन्होंने इस मामले को रिजर्व कर दिया है इस पर्टिकुलर लिटिगेशन को और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को अब एक नए तरीके से देखा जाएगा इट विल बी सीन फ्रॉम द परिवर्टिकल थर्टी वन सी तो आई जस्ट होप आपको बात समझ आ रही है अभी पहला ही पेज हमने देखा है मुद्दा यह है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट right था बाद में फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट करके इसको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right बना दिया गया थर्टी नाइन बी जो हमारा संविधान है डी का हिस्सा है पार्ट फोर वो कहता है कि समाज में जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो सबके भलाई को ध्यान में रखते हुए बांटे जाने चाहिए अब वो मटेरियल रिसोर्सेज प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है कि नहीं क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी वन साइड इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और वो इंक्लूड होता है कि नहीं उसको लेकर के बांटा जा सकता है कि नहीं अगर फोर्सफुली लेकर के बांटा गया तो इट विल बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स तो यही सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट हाल फिलहाल में सुनवाई कर रही है एक लिटिगेशन पे अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर्टिकुलर मैटर में वो आर्टिकल 31 सी के से भी करेगी तो क्या है आर्टिकल आर्टिकल सी? दो मुख्य प्रोविजन है ये कहता है कि अगर कोई भी कानून बनाया जाए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी आर्टिकल थर्टी नाइन बी तो आपने देख ही लिया कि समाज का ध्यान में रखते हुए कॉमन गुड को ध्यान में रखते हुए मटेरियल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आर्टिकल थर्टी नाइन सी कहता है कि देयर शुड बी नो कंसन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी द स्टेट सुड कि किसी एक इंसान के पास या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास ज्यादा से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा ना हो इनइॉलिटी ना हो समाज में तो थर्टी वन सी आर्टिकल इंसर्ट किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट जिसमें कहा गया कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाएगी इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू 39 बी और 39 सी आर्टिकल देन दैट लॉ कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड की इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम तो ये है पहला प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31 सी जो ट्वेंटी फिफ्थ एक्ट से लाया गया यहां तक तो फिर भी ठीक था लेकिन अब जो दूसरा प्रोविजन है आर्टिकल थर्टी वन सी का वो देखिए कि अगर कोई कानून लाया गया है इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल थर्टी नाइन बी और आर्टिकल थर्टी नाइन सी देज इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू द टू आर्टिकल थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी तो ध्यान से समझिए ये जो आर्टिकल थर्टी वन सी है ये पार्लियामेंट के पावर के ऊपर कितना बड़ा रिस्ट्रिक्शन है जुडिशियरी के पावर के ऊपर ये कितना बड़ा रिस्ट्रिक्शन है जुडिशियरी के पावर के ऊपर अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू थर्टी नाइन बी एंड थर्टी नाइन सी तो उनको सिर्फ कह देना है कि वी हैव क्रिएटेड दिस लॉ एज पर आर्टिकल थर्टी वन सी दैट मीन्स दिस लॉ हैज बिन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल थर्टी नाइन बी दैट इज टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी गुड और दॉ हेज बिन सीट मीन पर्टिकुलर लॉ है कानून ला दिया गया तो उस कानून को इस ग्राउंड पे नहीं चैलेंज किया जा सकता इट इज वायोलेटिंग इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा आज पर Article 31C. हम लोग थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी के लिए कानून ला रहे हैं तो उस कानून को अब जुडिशरी टच नहीं कर सकती सरल भाषा में ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जुडिशियरी के पावर पर रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल थर्टी वन सी के अंतर्गत तो फिर ये जो आप मामला देख रहे हैं थर्टी वन सी के अंतर्गत जो बातें लाई गई हैं थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो बेसिकली ये मामला बन पड़ता है डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट का डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री और पार्ट फोर के बीच में किसको ज्यादा महत्व देना है इसको लेकर के तीन महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हम देखते हैं गोलकनाथ केस नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अवरीच और डायल्यूटेड टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी मतलब आपको पता है यहाँ पे डॉक्टर दिया गया वो तो आप जानते ही हैं साथ ही साथ इस केशवनंद भारती केस में आर्टिकल 31 सी के भी वैलिडिटी पे क्वेश्चन रेस किया गया कि आर्टिकल 31 सी वैलिड है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया थर्टी वन सी का जो पहला कॉम्पोनेंट है उसको जस्टिफाई कर दिया कि ठीक है अगर कोई कानून लाया जाता है और उसका जो दूसरा पार्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट अफेल्डी थर्टी वन सी बट मेड इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू तो दूसरा वाला जो पार्ट है इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ उंड इीपीएसपी प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो सिंस जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वाई दॉ विल बी इवेल्यूएटेड वेदर इट इज गिविंग एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन टू थर्टी नाइन बी थर्टी सी और नॉट तीसरा है मिनरवा मिल केस सुप्रीम कोर्ट इसमें अब देखिए ये जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फंडामेंटल राइट right को इंपॉर्टेंट बताया साकरो बताया ओवर डीपीएसपी केशवानंद भारती केस में एक पर्टिकुलर केस अलाउ कर दिया थर्टी वन सी की इस केस में डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को एक बार के लिए अवॉइड किया जा सकता है मिनरवा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सरकार को एक हारमोनियस बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी तो मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है एक बार मैं फिर रिवाइज करा दू राइट टू प्रॉपर्टी अर्लियर फंडामेंटल राइट नाउ जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी अब ये एक बात हो गई अब आर्टिकल 39 नाइन भी कहता है कि संपत्ति जो भी है रिसोर्सेज वो सबके भलाई को ध्यान में रखते हुए बांटी जानी चाहिए ये जो संपत्ति है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है सुप्रीम कोर्ट को को इस पर सुनवाई कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थर्टी सी के लिहाजे से भी देखेंगे थर्टी सी जो है तो ये कहता है कि थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून लाया जाए तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा ऑफ नो जुडिशियल जुडिशियल इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप कह सकते हैं कि नाइनटीन सेवेंटी के बाद से जुडिशियल रिव्यू हो सकता है किसी भी केस का बिकॉज ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरीके से हमने देखा कि अभी ये मामला ओपन एंडेड है कि क्या समाज में जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है सबको बराबर तौर पर बांटने जानी चाहिए उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा बट उसमें हमने ये भी देखा कि थर्टी वन सी में सुप्रीम कोर्ट ने इवेल्युएट करते हुए कह दिया कि इसका पहला पार्ट सही है बट सेकेंड इज ओपन टू जुडिशियल रिड्डू अब यूपीएससी ने

बहुत बाद में जाकर के जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का इसके बेसिस पे एक इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया था तो इसीलिए कोहिलो केस बिकम्स इंपॉर्टेंट यू कैन रीड द हिंट्स एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजेशन दिस टॉपिक इंपोर्टेंट आवर सिलेबस इंडियन इकोनमी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए फर्टिलाइजर्स की बात चल रही है तो एक बार जरा समझ लेते हैं कि क्रॉप्स के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल तौर पे चाहिए होते हैं देखिए क्रॉप्स को मेनली तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग एन पी के दीज आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिय उसके अलावा कई सारे माइक्रो न्यूट्रिय भी चाहिए होते हैं कैल्सियम आयरन मैग्नीशियम जिंक सल्फर एन ऑफ तो ये जो तीन माइक्रो न्यूट्रियट्स हैं इनको सप्लाई कराने के लिए टू द क्रॉप्स अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं और बेचे भी जाते हैं उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल दिए जाते हैं तो पॉपुलर फर्टिलाइजर्स जैसे भारत में है यूरिया डाई एमोनियम फॉस्फेट तो मैंने आपको कहा ना कि माइक्रोन्यूट्रिय मेनली तीन है एनपी तो आप किसी भी फर्टिलाइजर के बैग पे जैसे यूरिया के बैग पे देखोगे कि लिखा रहता है फोर्टी इसका मतलब है कि इसमें फोर्टी नाइट्रोजन है फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जीरो है डाई एमोनियम फॉस्फेट एटीन तो इसमें नाइट्रोजन है एटीन परसेंट फॉस्फोरस है फोर्टी सिक्स परसेंट और पोटेशियम है जीरो परसेंट डाइएमोनियम फॉस्फ्रेट अब अगर आप ध्यान से देखो तो यही है दो सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर भारत के अंदर उसमें भी यूरिया सबसे ज्यादा पॉपुलर है यूरिया एग्जस्ट परस्पेक्टिव के लिए थ्री हंड्रेड फिफ्टी एट लैक टन का इस्तेमाल हुआ था यूरिया का लास्ट ईयर और उसके बाद आप देखो तो डैप डायमोनियम फॉस्फेट जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिलता है उसका इस्तेमाल हुआ था लगभग एक सौ आठ लाख टन के बराबर 358 लाख टन्स एंड 108 लाख टन्स का इस्तेमाल हुआ है तो यूरिया नो डाउट इज द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर सोल्ड इन इंडिया फॉलोड बाई डैम अभी यूरिया और बाकी तमाम जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं जैसे कि डैम दोनों सस्ते दामों पे फार्मर्स को अवेलेबल हों इसके लिए सरकार देती है सब्सिडी ताकि उनके दाम थोड़े कम हो जाए लेकिन यूरिया जो एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए सॉइल के अंदर एक आइडियल रेशियो है फोर इज टू इज वन नाइट्रोजन शुड भी फोर यूनिट फॉस्फोरस शुड भी टू यूनिट एंड पोटेशियम शुड भी वन यूनिट तो सिंस नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होना चाहिए इसीलिए यूरिया जो है वो सबसे ज्यादा सप्लाई होता है और यूरिया पे सब सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी भी देती है ताकि यूरिया कक से नाइट्रोजन जो मिलता है वो सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो यूरिया के लिए जो सब्सिडी स्कीम है उसको कभी कभार कह दिया जाता है कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम या यूरिया सब्सिडी स्कीम और बाकी यूरिया के अलावा जितने और भी फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए जो सब्सिडी है नॉन यूरिया सब्सिडी स्कीम कह सकते हैं उन्हीं का नाम है न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी तो यूरिया के लिए सब्सिडी स्कीम कैसा है और बाकी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी स्कीम कैसा है वो एक एक करके जरा देखते हैं यूरिया सब्सिडी स्कीम में कैसा है कि द प्राइस हैज हाँ केप्ट फिक्स्ड फॉर एग्जांपल ये 45 किलोग्राम का बैग है यूरिया का तो इसका दाम फार्मर्स के लिए फिक्स कर दिया गया कि इसका दाम फार्मर से ये फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी लेगी सिर्फ टू हंड्रेड पर बैग ये कंपनी बेचेगी पैंतालीस किलोग्राम का ये बैग यूरिया का टू द फार्मर्स और वहां से फार्मर से सिर्फ टू फोर्टी पर बैग ही लेगी प्राइस हैज बिन फिक्सड अब हो सकता है कि यूरिया बनाने वाली जो फर्टिलाइजर कंपनी है इसका यूरिया बनाने का कॉस्ट लग गया हो साढ़े चार सौ रुपए पर बैग फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज पर बैग तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि टू हंड्रेड एट रुपीज इस फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी के तौर पर दे देगी तो आई जस्ट होप की अब आपको बात समझ आ रही है प्राइस इज फिक्स फार्मर विल पे ओनली टू फोर्टी टू रुपीज अब अगर फैक्ट्री को बनाने में खर्चा लगा है साढ़े चार सौ तो सरकार अपने तरफ से दो सौ रुपए सब्सिडी के तौर पर देगी अगर पांच रुपए लग गया तो सरकार अपने तरफ से टू फिफ्टी सब्सिडी के तौर पर देगी दैट इज यूरिया सब्सिडी स्कीम एम आर पी इज फिक्सड अंडर दिस इट इज दैट इज वाई ऑल्सो एज कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम एंड सब्सिडी वेरीज फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साढ़े चार सौ पर बैग किसी का पांच सौ रुपए पर बैग तो उस बेसिस पे अलग अलग फैक्ट्रियों को अलग अलग सब्सिडी मिलेगा कहीं ना कहीं अपने आप में आपको यूरिया के लिए जो सब्सिडी स्कीम है उसका निगेटिव आइड पॉइंट समझ आ गया कि इट इज इनडायरेक्टली प्रोमोटिंग इन द कंपनीज आर नॉट एट ऑल बॉर्डर्ड कि सस्ते से सस्ते दाम पे बढ़िया यूरिया बनाए तो महंगा भी बनाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है कि सरकार अल्टीमेटली उनको डिफरेंशियल अमाउंट दे ही देगी उनको मार्केट में बेचना टू फोर्टी टू में और जितना भी डिफरेंस है उनको सरकार मिल ही जाएगा सरकार की तरफ से तो यूरिया के अलावा चूंकि यूरिया की इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है वहां से नाइट्रोजन मिलता है और नाइट्रोजन फोर यूनिट होना चाहिए पोटेशियम फॉस्फोरस के तुलना में नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होता है तो यूरिया के लिए सब्सिडी स्कीम अलग है बाकी यूरिया के अलावा बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं डैप हो गया या बाकी जो भी हैं मुरियाटो ऑफ पोटैस हो गया उनके लिए एम कहते हैं उसको मुरियाटो ऑफ पोटास उनके लिए सब्सिडी स्कीम अलग है उसको कहा जाता है न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी स्कीम न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी स्कीम में सरल बात बात ऐसी है कि अलग अलग तरह के न्यूट्रियट जो आपने डाले हैं उनका रेट फिक्स रहता है कि पर किलोग्राम ये सब्सिडी मिलेगा तो जितना भी आपने न्यूट्रियट डाला है जितना ग्राम डाला है उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिल जाएगा तो सब्सिडी इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिय न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी स्किल तो एम आर पी वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड दैट इज वाई द फाइनलो वेरीज डिपेंडिंग किस कंपनी से वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो so, सरकार क्या करेगी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें जितना भी आपका फर्टिलाइजर है फर्टिलाइजर को उनके ओवरऑल जो न्यूट्रिय उन्होंने डाले उसके अंदर उन न्यूट्रिय के ऊपर सरकार ने सब्सिडी डिक्लेयर कर रखा है पर किलोग्राम तो पर किलोग्राम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी डिसाइड करके अलग अलग तरह के सब फर्टिलाइजर बैग पे सरकार अलग अलग सब्सिडी दे देती है तो सब्सिडी इज फिक्स दिस टाइम दैट इज माई प्राइस विल कीप ऑन वैरी मान लीजिए कि एक फैक्ट्री को डाई अमोनिया फॉस्फेट बनाने का खर्चा आया पांच रुपए और सब्सिडी जो है वो बैग पे फिक्स है पांच रुपए तो ये सब्सिडी जो है मान लीजिए फिक्स्ड है पचास रुपए तो ये कंपनी उस बैग को फॉर फार्मर्स को साढ़े चार सौ रुपए में बेचेगी आई जस्ट होप द पॉइंट इज क्लियर यूरिया चूंकि महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है इसके लिए यूरिया पे सब्सिडी स्कीम जो है वो कंट्रोल्ड है यानी कि प्राइस इज फिक्स्ड वेरिएशन इज ओनली इन सब्सिडी बाकी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम लगता है बाकी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स पे जिसमें जो फर्टिलाइजर जो है उसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट इस्तेमाल किया गया है पर किलोग्राम के बेसिस पे उस पर सब्सिडी मिलती है तो हियर सब्सिडी इज फिक्स तो मान लीजिए कि सब्सिडी पांच सौ रुपए दिया ओवरऑल बैग बनाने का खर्चा आया तो बारह सौ रुपए तो ये फर्टिलाइजर कंपनी उस बैग को बेचेगी सात सौ रुपए में टू द फार्मर्स तो सब्सिडी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में द प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज बट सब्सिडी इज दैट इज वाई द फाइनल प्राइस फर्टिलाइजर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज इज डिफरेंट अब मिला जुला करके से बात क्या सामने निकल करके आ रही है कि यूरिया ज्यादा सब्सिडाइज होता है एज कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइज़र्स। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं और इस कारण से फार्मर ज्यादा से ज्यादा यूरिया खरीदते हैं क्योंकि यूरिया हेविली सब्सिडाइज है यूरिया के लिए जो सब्सिडी का स्कीम है वो भी अलग है यूरिया सब्सिडी स्कीम कंट्रोल प्राइसिंग जिसमें प्राइस इज फिक्स और दैट इज द रीजन वाई यूरिया का तो जो सब्सिडी स्कीम है उसको लेकर के कुछ समस्याएं आ रही है डाइवर्जन ऑफ यूरिया इज ए प्रॉब्लम होता क्या है कि फार्मर्स यूरिया लेकर के आते हैं अलग अलग सरकारी कंपनियों से इस बात को कह कहकर के हम इसका एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे फिर उसको बेच देते हैं इंडस्ट्रीज क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी यूरिया का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज जैसे कि प्लाईवुड क्रॉकरी मोल्डिंग पाउडर कैटल फीड इंडस्ट्रीज में यूरिया का इस्तेमाल होता है तो ये डाइवर्जन ऑफ यूरिया का प्रॉब्लम है बिकॉज यूरिया इज वे टू चीप

As as so रेशियो समलिया का इतना सारा इस्तेमाल हमारा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ाता है प्लस यूरिया में जो भी नाइट्रोजन होता है उसका बेयरली थर्टी फाइव परसेंट ही एब्जॉर्ब हो पाता है सिक्सटी फाइव परसेंट जो है वो फिर लॉस्ट ही हो जाता है इन द एटमोस्फेयर तो यूरिया का नाइट्रोजन यूज एफिस लो दैट इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम अभी हाल फिलहाल में सरकार को बात समझ आ गई कि यूरिया सस्ता है बाकी फर्टिलाइजर्स महंगे हैं रिलेटिवली क्योंकि सब्सिडी का नियम ही अलग है यूरिया के लिए यूरिया सब्सिडी स्कीम कंट्रोल, बाकी सबके लिए न्यूट्रिय न्यूट्रिय प्राइसिंग न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी स्कीम जो थोड़ा सा फिर उनका दाम ज्यादा करा देता है तो फिर हाल फिलहाल में सरकार ने एक तरीका अपनाया कि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स भी थोड़े सस्ते हुए ताकि उनका भी इस्तेमाल बढ़े और जिस कारण से एनपीके का जो रेशियो है टेन इश्टू टू इट वन से चेंज होकर के फोर इश टू टूटू वन के आसपास आए तो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स का दाम घटे इसके लिए सरकार लेकर के आई है कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल प्राइसिंग स्कीम फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स जिसके ऊपर न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी स्कीम लगता है इस पर सरकार ने क्या नियम बना दिए हैं कि जो कंपनियां ये फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करती हैं वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम एट परसेंट ले सकते हैं इफ दे आर इंपोर्टर कंपनी मैक्सिमम टेन परसेंट ले सकते हैं इफ दे आर मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर एंड दे कैन मैक्सिमम टूव परसेंट इफ दे आर इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चर मतलब हु प्रोड्यूस फिनिश्ड हुईजर एज वेल एज जैसे कि इंटरमीडिएट एसिड एंड अमोनिया तो वो मैक्सिम बारह प्रतिशत ले सकते हैं तो सिंस प्रॉफिट हैज बिन लिमिटेड तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर जैसे कि डाई अमोनियम फॉसफेड या म्यूरिएट ऑफ पोटैश वो थोड़े सस्ते होंगे तो उससे उनका इस्तेमाल थोड़ा बढ़ेगा और इस कारण से यूरिया के तुलना में जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर उनका यूजेज थोड़ा बढ़ेगा और जिससे फिर नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है जिस रेशियो में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटासियम होना चाहिए सॉइल में सॉइल के अंदर वो रेशियो वापस से रिस्टोर हो पाएगा इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन यू सी हाल फिलहाल में जो आर्टिकल आया है ये कहता है कि सरकार जब अगर मौजूदा सरकार तीसरी बार जीत करके आ गई तो ये सबसे पहला काम करेगी पॉलिसी बनाएगी फर्टिलाइजर का सही उपयोग के ऊपर बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन के ऊपर ये जो तीन मेन फर्टिलाइजर हैं यूरिया आप देखो फोर्टी सिक्स इीरो मतलब एन इज फोर्टी सिक्स परसेंट फिर डायमोनियम फॉस्फेट में एटीन फोर्टी सिक्स जीरो अट्ठारह प्रतिशत नाइट्रोजन फोर्टी सिक्स परसेंट फोस्फोरस जीरो प्रतिशत पोटासियम और म्यूरियट ऑफ पोटास में जीरो जीरो मतलब पोटास तक होता है तो इन दोनों के ऊपर न्यूट्रिय बेस्ट सब्सिडी लगता है इसके ऊपर प्राइसिंग स्कीम है यूरिया सब्सिडी लगता है तो अभी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है इनका उतरा नहीं हो रहा है तो इसीलिए इनके ऊपर रीजनेबल प्राइसिंग स्कीम लगा दी गई है जिससे उम्मीद की जा रही है कि आगे से एक बैलेंस्ड तरीके से सारे तरह का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होगा और जिससे जो सॉयल की जो प्रोपोर्शन है रिक्वायरमेंट है ऑफ एनपीके

टेस्ला के सीईओ ई मस्क इंडिया आने वाले थे और फिर भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड फैक्ट्रियों के इन्वेस्टमेंट पे चर्चा होने वाली थी ऐसा प्लान था बट इलॉन मस्क ने वो विजिट को कैंसिल कर दिया नाउ ही इज इन चाइना प्रमोटिंग फुल सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन चाइना डेवलप्ड बाय टेस्ला तो आखिर ऐसा क्या है चाइना में व्हाट मेक्स टेस्ला मोर इंक्लाइन टू वर्ड चाइना व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ चाइना आर ऑफ चाइना एज फार एज इलेक्ट्रिक कंसर्न विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया देखिए तो चाइना के अंदर ऑलरेडी बड़ा प्लांट है इन संघाई होता है टू न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियाली टेस्ला वुड लाइक टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन चाइना ओनली और एक्सपैंड ऑपरेशन इन चाइना ओनली क्योंकि इट हाज ऑलरेडी बिगेस्ट प्लांट इन चाइना दूसरा चाइना एज ऑलरेडी डॉमिनेंस इन बैटरी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन में कल ही हम लोग देख रहे थे कि क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना सुपर पावर है आप कह सकते हैं मेन प्रोड्यूसर है तो क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी प्रोड्यूस करने के लिए तो इस कारण से चाइना हैज डोमिनेंस इन बैटरी प्रोडक्शन एज वेल तो ये सब एडवांटेजेस है चाइना जबकि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो बहुत नैसेंट स्टेज में और भारत की ईवी पॉलिसी भी काफी बदलती रहती है फ्लिप फ्लॉप होती रहती है मतलब चेंज होती रहती है तो इस कारण से चाइना एक बेटर प्रोस्पेक्ट अभी भी रखता है

आ, का, देशों का मानना है कि कहीं ना कहीं एक्सेसिव सब्सिडी दी जा रही है एंड इट इज अ केस ऑफ डंपिंग तो हो सकता है कि आने वाले वाले टाइम में चाइना से होने ईवी के एक्सपोर्ट पे यूएस और यूरोप में बैन लग जाए तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिफोरेस्टेशन वॉच पोर्टल दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस जीएसपेपर फाइव सूज पॉइंट ऑफ व्यू देखिए आपको मैंने लगभग आठ दस दिनों पहले बताया था कि साल 2000 से लेकर के 2024 तक में

ग्रीन कवर अक्रॉस द वर्ल्ड और उससे आपको यह भी पता चल जाता है डेटा भी देता है कि कितने साल के अंदर कितना ग्रीन कवर कम हुआ है तो साल 2000 से लेकर के अभी तक में भारत ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर है फॉरेस्ट लूज लेकिन उसमें ज्यादा चिंता का विषय यह है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है वो हुआ है असम से थ्री लाख ट्वेंटी हेक्टेयर इस रिपोर्ट के आने के बाद हमारे सीएम एम साहब आसम हेमंत विश्व शर्मा साहब ने कहा कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक पोर्टल बनाएगा तो डिपार्टमेंट टू क्रिएट अ पोर्टल अटल वॉच पोर्टल जो हर तीन दिन के साइकिल पे एक रिपोर्ट भेजता रहेगा टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अबाउट रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया तो हर तीन दिनों पे डेटा आता रहेगा जिसके बेसिस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इफेक्टिव स्टेप ले सके इन ऑर्डर टू तो स्टॉप डिफॉरेस्टेशन वर्कर्स डे से संबंधित पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत था हे मार्केट अफेयर जो है दैट इज ऑन फोर्थ में नॉट ऑन फर्स्ट में स्वयं इज अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑफ फॉर फ्री दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग